गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, जय माता दी। और आपको मालूम है कि आज हम क्यों इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर और क्या हम डिस्कस करने वाले हैं, ये भी पता है आपको ऑलरेडी, और मैं पहले ही बता चुका था आज, लेकिन खुलकर अब बात करेंगे कंज्यूमर और कस्टमर में डिफरेंस क्या होता है, और फिर एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986-2019 दोनों में क्या फर्क है, और फिर कॉम्पिटिशन एक्ट में कंज्यूमर का क्या मतलब होता है, और फिर तीनों में डेफिनेशंस में क्या फर्क है बात करेंगे, और बहुत सारे सवाल पूछूंगा, बहुत सारे जवाब आप देंगे, और आज वो लाइव चैट को बहुत सारा इस्तेमाल करने वाले हम लोग, बहुत खुलकर इस्तेमाल करेंगे लाइव चैट के अंदर। आप अपना दिल खोल कर जो आंसर देना चाहें वो दे सकते हैं, जो भी आपको समझ में आता है, और मोस्टली आंसर येस और नो में होंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं इस टॉपिक को टच करूं, पहली चीज आपको बताना चाहता हूं, आपको मालूम है 26 जनवरी आने वाला है, 26 जनवरी ऑलमोस्ट आ ही गया है, तो ये मालूम है 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है, 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है, और इस बार तो अभी कंफ्यूजन में है, शायद दिल्ली में पहली बार ट्रैक्टर रैली देखने के लिए मिलेगी, वो भी आजकल बातचीत चल रही है, देखते हैं मिलेगी या नहीं मिलेगी, पता नहीं आपको मालूम है या नहीं मालूम है कि दिल्ली में इस बार 26 जनवरी को नई टाइप की रैली होने वाली है, एक ट्रैक्टर रैली भी होने वाली है, और कंफ्यूजन में चल रहा है, दिल्ली पुलिस ने परमिशन दी है या नहीं दी है, इकोनॉमिक टाइम्स पे अभी मैं देख रहा था कि वो आया भी हुआ है, अभी वो देखना बाकी है, खैर एनी हाउस उसकी बात में करेंगे, लेकिन पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जब हम ऑब्वियसली 26 जनवरी की बात कर रहे हैं, 26 जनवरी आने ही वाला है, और हम लोगों ने अमेरिका का टेक ओवर कर लिया है, तो गर्व से कहो भारत माता की जय। और ये जैकेट मैंने यूएस पोलो की पहनी हुई है, लेकिन वेल डोंट वरी अबाउट दैट, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि हम अमेरिकन हैं, दिल से हिंदुस्तानी हैं, और इसको हाथ में पकड़कर एक बार और बोलेंगे भारत माता की जय, और इसको दिल में रख लेते हैं यहाँ पर। और जब मैं बात कर रहा हूँ कि भाई हमने अमेरिका का टेक ओवर कर लिया, आपको पता ही है वेल अब डोनाल्ड ट्रंप तो चला गया है, अब उसकी जगह पर कौन आ गया है, हु इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, बिदेन थोड़े ना, वो कमला हैरिस है यार, आप ये मानकर चलो कमला इज वाइस प्रेसिडेंट, और एक तो वो लेडी है और ऊपर से वो इंडियन है, तो वो चलने देगी क्या किसी और की, मतलब, और जो बिदेन ऊपर से बाइडेन जो है वो 78 ईयर्स ओल्ड है, मतलब समझ में आ रही है ना बात कि बैकग्राउंड में चलने वाली किसकी है। और ये तो चलो अब की बात हो गई, माइक्रोसॉफ्ट का हेड कौन है, सत्या नाडेला, नाम सुना हुआ है, सुंदर पिचई गूगल और गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट, तो सीईओ हेड ऑफ द पेरेंट कंपनी ऑफ गूगल एंड ऑफ गूगल बोथ, मतलब हम लोग ही छाए हुए हैं, अमेरिका का टेक ओवर तो हम करते ही जा रहे हैं धीरे धीरे, और पहले भी कर रहे थे और अब तो फाइनली कर ही लिया है। और कमला हैरिस तो चलो आपने नाम सुना है अभी, बट उसके साथ साथ जिसने ओथ दिलवाई कमला हैरिस को, वो एंड 15-20 अदर कैबिनेट पीपल मिनिस्टर्स, नाम आप ढूंढ लेना गूगल सर्च की, हिंदुस्तान कहां पहुंच गया है, तो इसलिए कह रहा हूं अमेरिका इज सब्सिडरी कंपनी ऑफ इंडिया, इंडिया इज होल्डिंग कंपनी ऑफ अमेरिका, मानो या ना मानो अब ये हो रहा है, और अगले आगे 4-5 साल में दिखेगा काइंड ऑफ, और फिर 4-5 साल के बाद इलेक्शन की बात तो क्या पता, वो ऑफिशियली कमला विल बी द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं, तो भारत माता की जय, इंडिया ने अमेरिका का टेक ओवर कर लिया है, और अब वाइस प्रेसिडेंट हमारी है वहां पर, और सत्या नाडेला, सुंदर पिचई, और एक नाम और भी ले लेता हूँ, इलॉन मस्क भी तो हमारा ही है, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली, पता है आपको नाम सुना हुआ है ना सबने, इलॉन मस्क, ही इज फ्रॉम विच कंट्री, साउथ अफ्रीका को आजादी किसने दिलवाई, महात्मा गांधी, तो फिर साउथ अफ्रीका तो पहले ही हमारी बेबी कंट्री, और वहां से इलॉन मस्क निकला, तो हमारी सब्सिडरी की सब्सिडरी अमेरिका, इंडिया की सब्सिडरी साउथ अफ्रीका की सब्सिडरी अमेरिका, इमेजिन, मतलब लिंक, दो लेवल सब्सिडरी तो अलाउड है कंपनी लॉ में, तो बी प्राउड टू बी इंडियन, गर्व से कहो हम भारतीय हैं, वंदे मातरम। आगे बढ़े अब, 26 जनवरी के लिए कुछ और भी है, और कुछ सरप्राइजेज हैं हमारी ऐप के अंदर, देर आर सम सरप्राइजेज इन द ऐप, ऑन 26 जनवरी बी देयर, यू विल बी फाइंडिंग सम देयर, नोटिफिकेशंस मिलेंगी आपको, 26 जनवरी की नोटिफिकेशन मिलेगी, और 26 जनवरी के लिए कुछ बेनिफिट्स ऐप के अंदर मिलने वाले हैं, मेक माई करियर, गूगल प्ले स्टोर, और अब तो एप्पल स्टोर पे भी है, वेल सो एंजॉय 26 जनवरी विद अस इन अवर ऐप एज वेल,
और अब फाइनली आगे बढ़ने से पहले बोलूंगा दैट आई लव सीएस एंड आई एम प्राउड टू बी अ मेंबर ऑफ आईसीएसआई। तो दिल में एक तो भारतीयता है, दूसरी ऑब्वियसली अपने प्रोफेशन के लिए इज्जत है, एंड आई विल से एट द सेम टाइम यू हैव टू हैव पैशन फॉर योर प्रोफेशन, अदरवाइज लीव द प्रोफेशन, वरना कोई फायदा ही नहीं है। तो पैशन जरूर होना चाहिए अपने प्रोफेशन के लिए, तभी आप जिंदगी में जिंदगी को एंजॉय कर सकेंगे। सो बी पैशनेट अबाउट व्हाट यू आर डूइंग, अदरवाइज देयर इज नो यूज ऑफ डूइंग इट, लीव इट इफ यू आर नॉट पैशनेट। जुनून होना चाहिए, मैडनेस होनी चाहिए, तो आप जिंदगी में कुछ बड़ा अचीव कर सकते हैं, नहीं तो फिर तो छोटे छोटे लेवल पे लगे रहेंगे, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। सो दैट इज मूल मंत्र। और हाँ, एक छोटा सा सवाल, फिर से व्हाट्सएप मैसेजेस मेरे पास आए तो मैं फाइनली वंस एंड फॉर ऑल क्लेरिफाई कर दूं, जून 2021 एग्जाम्स के लिए कौन सा वाला कोपरा पढ़ना है, कोपरा 1986 या कोपरा 2019? तो हम बोलते हैं कोपरा 1986 और 2019, आप दोनों ही पढ़ लो अभी तो। और आईसीएसआई कुछ भी कर सकता है, आईसीएसआई कुछ भी कर सकता है, जो चीजें सिलेबस से हट जानी चाहिए वो हटाई नहीं गई हैं, और उसमें से क्वेश्चन आ गया, कोई गारंटी मैं तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ हो सकता है मार्च अप्रैल मई में आईसीएसआई खुद कहे कि 1986 वाले कोपरा के प्रोविजंस नहीं आएंगे, और लेकिन उसके जो केस लॉज हैं वो एप्लीकेबल हैं, क्योंकि वो तो कोपरा 2019 के लिए सेम केसेस हैं, तो ये बिल्कुल हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। और अभी तो मैं यही बोलूंगा कि दोनों पढ़ लीजिए, और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी ये वीडियो लेक्चर्स से पढ़ रहे हैं तो उनको कहूंगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के भी सारे वीडियो लेक्चर्स देख लो, और कोपरा 2019 तो हमारी ऐप में मेक माई करियर के अंदर, हमारी ऐप के अंदर ऑलरेडी 7-8 लेक्चर्स हैं अमेंडमेंट्स के साथ हैं। तो पहले सीपीए 1986 पूरा कंप्लीट कर लो, और उसके बाद कोपरा 2019 के वो जो अमेंडमेंट लेक्चर्स हैं वो भी कर लो साथ में, एंड दीज लेक्चर्स आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट टू एवरीबडी, ये तो सभी के लिए हैं। तो डाउनलोड द ऐप और 7-8 टेक्निकली परफेक्ट इंटरप्रिटेशंस सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। सो वेल आई विल से दैट इज वन थिंग, एंड डिसंबर की भी बात कर लूं भाई, ये भी क्लैरिफाई करी दूं, डिसंबर 2021 एग्जाम्स विच कोपरा विल बी कमिंग। तो अब तो मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि 15 जुलाई 2020 जो कोपरा जिसकी डेथ हो गई, पूरी उम्मीद है कि एग्जाम में अब दिसंबर में तो नहीं आना चाहिए। सो ओल्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट डाइड ऑन 15 जुलाई 2020, एंड ICSI should remove from the new module for December 2021. June 2021 के module में तो है, old law, new law दोनों हैं। और एक चीज यहाँ पर भी word of precaution रहेगा, case laws old act के जो थे वो तो relevant रहेंगे, मतलब वो तो सबको ही करने हैं। और अगर आपका December 2021 exam भी है तो भी आप new act के साथ साथ आप well obviously वो old law के cases तो करोगे ही करोगे, that is compulsory, और नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो come to our app absolutely free of cost, बहुत सारे courses पे discount चल रहे हैं, but when I am talking about the COPRA 2019 तो वो amendments का जो section है, amendment videos उसमें आइएगा, और COPRA 2019 के आपको 8 videos मिलेंगे absolutely free of cost। लेकिन जो आज बताने जा रहा हूं वो नहीं मिलेगा वहां पर, तो इसलिए आज का ये जो वीडियो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ साथ आप जो YouTube में लाइव चैट में लिखेंगे वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है एट द सेम टाइम, अदरवाइज एग्जाम्स में कुछ भी हो सकता है। मतलब दिल लगाकर पढ़ाई कीजिएगा, एंड पूरा फोकस अब यहां ले आइए, यहां नहीं यहां ले आइए। सो कुछ भी हो सकता है, मुझे मालूम है फोकस स्लिप हो जाता है, बट डोंट स्लिप योर फोकस। अब ये एक बड़ा खूबसूरत क्लासिक केस हुआ था कोपरा के अंदर, डिसाइडेड केस है, जजमेंट है, इसलिए शेयर करना चाहता हूं आपके साथ, और एग्जाम के लिए भी मैं कहूंगा कहीं ना कहीं रेलिवेंट है, कॉन्सेप्ट वाइज भी कहीं ना कहीं रेलिवेंट है, कॉन्सेप्ट वाइज बात करो ना। इस केस में क्या हुआ था, व्हाट रियली हैपेंड, एसी ब्लैक एप्पल जूस, एरिस्टोक्रैट एप्पल जूस, वैसे एरिस्टोक्रैट आप गूगल पे सर्च करोगे एरिस्टोक्रैट ड्रिंक तो आपको कुछ और ही मिलेगा, लिकर विस्की वो मिलेगी। अब हो क्या रहा है, इस एडवर्टाइजमेंट में टेलीविजन पे एड आती है, और उस एड में क्या दिखाया जाता है, काफी पुरानी बात हो गई अभी है, लेकिन उस एड में क्या दिखाया जाता है कि एक क्लब है शाम का टाइम,
मैडम एक तरफ बैठी है टेबल पे और सर जो है वो किसी दूसरे कोने में टेबल पे बैठे हुए हैं, और हो क्या रहा है कि दोनों अपनी अपनी टेबल पे अपना अपना गिलास लेकर बैठे हैं हाथ में, और एप्पल जूस का गिलास लेकर बैठे हैं क्लब में शाम को। फनी है, मतलब एक तो शाम का टाइम है, फिर क्लब है और फिर एप्पल जूस है, लेकिन वो देखने में ना वो एप्पल जूस नहीं लगता, वो देखने में तो लगता तो कुछ और ही है, देखने में तो लगता है इट इज, समझ में आ गया आपको क्या देखने में लगता है वो? लिखना है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, वो लिखना बुरी बात नहीं होती है। एंड आई बिलीव यू आर 18 ईयर्स और मे बी मोर देन 18 ईयर्स, या 18 ईयर्स होने वाले हैं। आई एम 16 ईयर्स, आई एम 16 ईयर, आप मुझसे बड़े हो थोड़ा सा उम्र में। सो एनी हाउस, तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जो लिखना है वो लिख देना, मैं कुछ कुछ बुरा नहीं मानूंगा। देन तो होता क्या है, उधर वो भाई साहब टेबल पे बैठे हैं और वो अपना एप्पल जूस पी रहे हैं, और इधर मैडम अपनी टेबल पे बैठी हैं और ये अपना एप्पल जूस पी रही हैं, और जैसे जैसे भाई साहब अपना एप्पल जूस का एक सिप लेते हैं ग्लास का लेवल नीचे नीचे जा रहा है। मैम ने जो इवनिंग गाउन शुरू में यहां तक पहना हुआ था ब्लैक कलर का गाउन, वो थोड़ा सा नीचे आ गई नेकलाइन, फिर नेकलाइन और नीचे। उधर भाई साहब एक सिप लेते थे, इधर नेकलाइन जो है इवनिंग गाउन की, मैडम की इवनिंग गाउन की एक लाइन नीचे आ जाती थी और थोड़ा सा और नीचे हो जाती थी। तो वो भाई साहब सिप ले रहे हैं, बार बार मैडम की तरफ देख रहे हैं, सिप ले रहे हैं मैडम की तरफ देख रहे हैं, और जो आपको सीन दिखाई दे रहा है अभी, बस आखिरी सिप एक लेने वाले थे, आखिरी सिप एक लेने वाले, ले नहीं पाए, उससे पहले ही भाई साहब की शर्ट एकदम से खुल गई, फट गई, ओपन हो गई पूरी। क्यों? क्योंकि मैडम ने पहले अपना ग्लास बॉटम सब कर दिया। अब एप्पल जूस पीकर ऐसा होता है क्या? कहने से ये एग्जेजरेट किया जा रहा है, एग्जेजरेट किया जा रहा है, एग्जेजरेट किया जा रहा है, मतलब किसी चीज को बड़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, एरिस्टोक्रेट एप्पल जूस, एसी ब्लैक एप्पल जूस मार्केट में अवेलेबल है ही नहीं, टेलीविजन पे एड आ रही है, मार्केट में अवेलेबल है ही नहीं, तो क्या झूठी एडवर्टिजमेंट है? और क्या ये जो बड़ा चढ़ाकर एडवर्टिजमेंट में दिखाया जा रहा है और झूठी, ये सब कुछ लिखी हुई कहानी, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जब भी ये केस हुआ था। और हुआ क्या फाइनली, वेल मामला जो है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आ जाता है, कंज्यूमर कोर्ट में आ जाता है, और कंज्यूमर कोर्ट बोलता है दिस इज अनएथिकल, दिस इज अनफेयर, दिस इज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, दिस इज अनएथिकल। तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है और इसको नाम दिया सरोगेट एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि वो आप प्रोडक्ट दिखा रहे हो, एक्चुअली वो प्रोडक्ट मार्केट में है ही नहीं, और जो मार्केट में है वो आप दिखा नहीं रहे हो। अच्छा, ये जितनी भी लिकर बेचने वाली कंपनीज हैं, वाइन विस्की, ये कंपनीज क्यों करती हैं ऐसा, क्यों करती हैं पता है किसी को? बताया तो वो लिख देना आप कमेंट बॉक्स में, और नहीं तो रीजन तो मैं बता ही रहा हूँ, आई एम गोइंग टू टेल द रीजन। सो एक बार फिर से कहूंगा कि वो बॉटम लाइन जो है वो भी ध्यान रखो, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, बट नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज रीजन क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के रूल्स हैं कि आप टेलीविजन के ऊपर आप विस्की वाइन या फिर आप टोबैको प्रोडक्ट्स सिगरेट्स वगैरह को एडवर्टाइज नहीं कर सकते, वो जो अडल्ट एज के लिए प्रोडक्ट्स हैं उनको एडवर्टाइज नहीं कर सकते। तो दिस इज समथिंग विल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स, यू कैन से मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के नॉर्म्स है, तो इसलिए अलग अलग तरीके ढूंढे जा रहे हैं। और आपने शायद रॉयल स्टैग या बैक पाइपर या और किसी की एडवर्टाइजमेंट्स भी देखी होंगी आपने टेलीविजन के ऊपर की, बहुत अलग अलग तरीके से एडवर्टाइजमेंट्स आ रही हैं और उनके अगेंस्ट भी एक्शन ली जाती है। लेकिन एक चीज जेनुइनली बोलूं कि जेनुइन क्या है, अगर एक कंपनी एक सोडा वाटर बना रही है, प्लेन सोडा जिसमें नींबू और काली मिर्च डाल के भी पिया जा सकता है, और वो सोडा वाटर को एडवर्टाइज कर रही है टेलीविजन के ऊपर, और उसको एडवर्टाइज भी कर रही है और मार्केट में मिल भी रहा है, कंपनी बना भी रही है बेच भी रही है, मार्केट में इजिली मिल भी रहा है, तो चाहे वो कंपनी लिकर बना रही है तो हम नहीं कहेंगे सरोगेट एडवर्टाइजमेंट है, हम नहीं कहेंगे वो यूटीपी है। क्यों? क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट में दिखा रहे हैं वो मार्केट में अवेलेबल है, वो बेच रहे हैं, तो वो फॉल्स एडवर्टाइजमेंट या वो वेल सरोगेट एडवर्टाइजमेंट नहीं है, वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं है। और जो दूसरा प्रोडक्ट ऑब्वियसली टीवी पे दिखाना अलाउड नहीं है, वो नहीं दिखा रहे हैं, सिंपल, समझ में आ गई बात? सो डोंट टेक द लास्ट सिप प्लीज इन एनी केस। देन कमिंग बैक टू द डेफिनेशन पार्ट, डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर। अब मामला थोड़ा सा यहाँ से हम सीरियस कर लेते हैं यहाँ से, क्योंकि पढ़ाई करनी है और लीगल प्रोविजन समझने हैं, लीगल प्रोविजंस को पढ़ना है और आगे बढ़ना है। लेकिन सबसे पहली चीज कस्टमर और कंज्यूमर के बारे में यहाँ पर बात करूं, तो इन तीनों एक्ट के अंदर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, 2019 या कंपटीशन एक्ट 2002,
कहीं पर भी कस्टमर वर्ड का इस्तेमाल लॉ मेकर ने किया ही नहीं है। ये तो आप लोग, मैं मतलब हम लोग कस्टमर वर्ड यूज कर लेते हैं इन जनरल, लॉ मेकर ने तो एक ही वर्ड यूज किया हर जगह, कंज्यूमर। और वो कंज्यूमर कौन होता है, उसको डिफाइन भी वो लॉ मेकर खुद ही कर रहा है, तो हमें दिमाग चलाना ही नहीं है। हमें तो क्या करना है, जो लॉ मेकर ने डेफिनेशन दी है तीनों एक्ट्स में, वो उस डेफिनेशन को पढ़ना है, उसको इंटरप्रेट करना है। अपनी डेफिनेशन थोड़ा ना बनाना, अपनी खुद की डेफिनेशन थोड़ा ना बनानी है। और सीएस ईट में अगर या सीएस फाउंडेशन में आप अपनी डेफिनेशन बनाते थे तो अलग बात है, लेकिन एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में तो आपको जो लॉ मेकर ने डेफिनेशन लिखी है वर्ड टू वर्ड वही पढ़नी है, और उसी को ही समझना है, और उसी का इंटरप्रिटेशन करना आना चाहिए। दैट्स इट। तो पहली चीज तो यहां पर ये खत्म हो गई, कस्टमर कौन होता है। तो लॉ मेकर ने लॉ में कहीं कस्टमर वर्ड यूज ही नहीं किया। एग्जाम में कभी गलती से भी लिख मत आना कस्टमर, नहीं तो पता चला गया वो पेपर चेकर को गुस्सा आ गया, मार्क्स कट गए आपके कस्टमर लिखते ही। तो कस्टमर वर्ड एग्जाम में लिखना ही नहीं है, कंज्यूमर वर्ड लिखना चाहे क्वेश्चन कोई भी। और कंज्यूमर क्या होता है, अब सारी बात उसी पे होगी। तो बाकी आप कहने के लिए बोल दो अपनी खुशी के लिए, हमारे लिए तो एवरी कस्टमर इज कंज्यूमर, एवरी कंज्यूमर इज कस्टमर, लेकिन उसमें फिर कॉन्ट्रोवर्सी बहुत हो जाती है, तो मैं कहूंगा अवॉइड ही करो, बात ही मत करो, कस्टमर वर्ड यूज ही मत करो, डोंट यूज इट इन योर कोर्स करिकुलम, इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इन कॉम्पिटिशन एक्ट, इन दो एक्ट्स में कहीं पर भी कस्टमर वर्ड का प्रयोग मत करना, कहीं और करना होगा वो देख लेंगे। देन आई से, तो अब ये जो आपके सामने डेफिनेशन है ये मैंने नहीं दी है, ये लोकसभा राज्यसभा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव की है, लेकिन ये डेफिनेशन चार्ट वाइज फॉर्म में देखेंगे तो ज्यादा अच्छा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। और मैं कहूंगा सेम टू सेम डेफिनेशन कॉपी पेस्ट, कोपरा 2019 ऑल्सो सेम चार्ट कॉपी पेस्ट। सो लेकिन एक बाद में बताऊंगा, एक डिफरेंस आएगा, एक डिविएशन आएगा, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। अभी जो ऊपर डेफिनेशन दी हुई है वो सेम है, तो चाहे आपका जून एग्जाम है चाहे दिसंबर एग्जाम है, जून 2021 और दिसंबर 2021 और लेटर ऑन वट एवर जब भी आप प्लान कर रहे हैं, दिस डेफिनेशन इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ यू, सबके लिए एप्लीकेबल। देन वी से कंज्यूमर कौन होता है, कंज्यूमर मीन्स एनी पर्सन, पर्सन मे बी नेचुरल पर्सन मे बी आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन मतलब मैं आप इंडिविजुअल्स, आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कंपनी कॉर्पोरेट्स। तो अगर एक कंपनी भी प्रोडक्ट खरीद रही है तो वो भी कंज्यूमर हो सकती है, तो कंपनी पार्टनरशिप फर्म एसोसिएशन ऑफ पर्सन वो भी पर्सन हो जाते हैं। तो कंज्यूमर में फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कंज्यूमर मीन्स अ पर्सन, पर्सन हु बायज द गुड्स और पर्सन हु हायर्स द सर्विसेज, बायज द गुड्स और हायर्स द सर्विसेज, दोनों में से कोई एक चीज या दोनों भी करता है। आप लॉ मेकर ने और लिखा है, आप एंड कर लो, और एंड कोई एक काम करता है तो भी कंज्यूमर, दोनों काम करता है तो भी कंज्यूमर, और फ्री में गुड्स ले रहा है, फ्री गिफ्ट ले रहा है, फ्री में सर्विसेज ले रहा है, या उसके लिए पे कर रहा है, उसके लिए पे कर रहा है। तो लॉ मेकर ने वो भी लिख दिया है कि भाई पे करना जरूरी है, कंसिडरेशन पे करना जरूरी है, यू नो दैट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंसिडरेशन पे करना जरूरी है। तो कंज्यूमर मीन्स अ पर्सन हु बायज द गुड्स और हु हायर्स द सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन में भी पेड और प्रॉमिस्ड और पार्टली पेड पार्टली प्रॉमिस्ड और अंडर ईएमआई सिस्टम और व्हाटएवर आई विल से डेफर्ड सिस्टम ऑफ पेमेंट, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स वाला सिस्टम, लेकिन कुछ भी हो। और हो सकता है अभी एडवांस में फुल अमाउंट दे दिया है तो भी चलेगा, और हो सकता है फुल क्रेडिट पे परचेज किया है तो भी कस्टमर, और ईएमआई पे परचेज किया है तो भी कस्टमर। तो अगर पैसे अभी नहीं दिए, पैसे बाद में देने का प्रॉमिस कर दिया कि भाई राशन उठा लेते हैं, पैसे शाम तक आ जाएंगे, बेटा गया और शॉप से राशन ले आया और मम्मी ने फोन कर दिया वहां पर कि शाम को हम पैसे भिजवा देंगे या पेटीएम करवा देंगे, शाम को पेटीएम करवा देंगे, पेमेंट आ जाएगी आप गूगल पे व्हाटएवर। सो आई विल से तो कंज्यूमर है, आंसर इज यस, सामान उठाया है तो प्रॉमिस किया है कि पैसे पहुंच जाएंगे, और कुछ लोग कुछ दिन बाद भी पहुंचा देते हैं उसमें क्या है, बट स्टिल अ कंज्यूमर। सो कंज्यूमर मींस अ पर्सन हु बायज द गुड्स और हायर्स द सर्विसेज एंड इंक्लूड्स द लॉफुल यूजर ऑफ द गुड्स। अब यहां पर आकर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इंक्लूड्स द लॉफुल यूजर ऑफ द गुड्स, हु यूजेस द गुड्स विद द परमिशन ऑफ बायर, हु यूजेस द गुड्स विद द परमिशन ऑफ बायर। अब यहां पर मैं दो तीन सवाल पूछने वाला हूं, जवाब आप देंगे तो एक के बाद एक क्लैरिटी आती जाएगी। पापा ने जब बेटा या बेटी 18 ईयर्स का हो गया तो उसको हैप्पी बर्थडे पे गिफ्ट देने के लिए पापा ने क्या किया, एक स्कूटर या होंडा एक्टिवा या बाइक कुछ खरीदा और वो बेटे को बेटी को दिया कि अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लो और दिस इज योर गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट। अब पापा तो नहीं चला रहे हैं, ठीक है, और पापा ने पे किया, बेटे बेटी को साथ ही लेकर गए थे अपने साथ, वहां पर पापा अपनी गाड़ी में चले गए और बेटे को या बेटी को बोला कि यू ड्राइव योर न्यू व्हीकल टू व्हीलर एंड गो बैक होम, जाओ मस्ती करो।
नाउ द पॉइंट इज कि जब वो बेटा बेटी जो है वो मान लो मैं रिज्यूम भी कर लेता हूँ कि ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा लिया, सब बढ़िया से चल रहा है, 2-3 महीने 4 महीने निकले और 5-6 महीने निकले, उसके बाद फाइनली क्या हुआ, वो व्हीकल में कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ गया, पापा इंडिया के बाहर हैं, अब वो 5 साल के लिए गए हुए इंडिया के बाहर, अभी वो इंडिया में नहीं है और वो कुछ बिजनेस सेटल कर रहे हैं, कभी बीच में आएंगे 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए फिर चले जाएंगे, तो मतलब अभी ही इज आउटसाइड इंडिया, अभी नाउ द व्हीकल इज हैविंग मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ड्यूरिंग द गारंटी पीरियड. Now the point is, can that son or daughter can go to the Consumer Protection Act, Consumer Court, file the complaint? Yes. Yes. क्यों? Because he is consumer. क्यों consumer है? He is lawful user with the permission of buyer. Buyer कौन? Papa. अब एक सवाल और है, very very important. वो जो papa हैं, जिन्होंने खरीदा है, क्या वो consumer की definition में fit होते हैं या वो consumer है ही नहीं? क्योंकि वो तो consume कर नहीं रहे, papa तो consume कर नहीं रहे, papa तो use कर नहीं रहे. कंज्यूम कौन कर रहा है, यूज कौन कर रहा है? दैट सन और डॉटर. पापा ने तो सिर्फ परचेस किया है, पैसा लगाया. तो वेदर फादर इज कंज्यूमर, येस और नो, एंड गिव योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स. वेल एज सच आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स. तो वेल काइंडली गिव दैट. और मैं 10 तक काउंटिंग करता हूँ, काउंटिंग बैक, दैट इज माई हैबिट. और आप लिखते रहिए मीन वाल. सो द काउंटिंग स्टार्ट्स ओवर हेयर. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, done. Now the point is कि आप लोगों ने अपना आंसर दे दिया और मैं भी अब फाइनली अपना आंसर दे दूं कि yes, papa is consumer. Why is he consumer? Because he is buyer. उन्होंने consume नहीं की, कोई बात नहीं. उन्होंने use नहीं की, कोई बात नहीं. Law maker तो कहता है दोनों ही consumer हैं. जो consumer, जो goods खरीदता है वो भी consumer. और जो लॉफुल एंड इंक्लूड्स, ये थोड़ा ना बोला कि ऊपर वाला कंज्यूमर नहीं है, वो भी कंज्यूमर है. एंड इंक्लूड्स लॉफुल यूजर आल्सो. और इसने पेमेंट नहीं दिया है, सन ने डॉटर ने, लेकिन वो कंज्यूमर है. ऐसे ही एक एग्जांपल ले लेते हैं, दैट श्लोका मेहता. नाम सुना है? श्लोका मेहता अंबानी. नाउ शी हैज अ सन, वो आकाश अंबानी और श्लोका का बेटा है. सो एंड मुकेश अंबानी वॉज वेरी हैप्पी. वो हर जगह, आपने देखा ही होगा, दादा पोते की फोटोग्राफ हर जगह सोशल मीडिया पे दिखी रही थी, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह सर्कुलेट हो रही. सो नाउ श्लोका मेहता अमेजोन पे जाती हैं और वहां से कुछ जॉनसन बेबी सोप ऑर्डर करती हैं और फिर उससे अपने बेटे को नहला रही. तो श्लोका मेहता मेड द पेमेंट फ्रॉम हर अकाउंट एंड गॉट द प्रोडक्ट. एंड देन बेटे को, कितने दिन का बेटा है, मतलब 20-25 दिन का बेटा है, उसको नहला रही उस जॉनसन बेबी सोप से. अब उस सोप में कोई मान लो केमिकल लोचा है, केमिकल लोचा है, तो वेल और बच्चे की स्किन के ऊपर कुछ रेड कलर के रैशेज आ जाते हैं और सोप में कुछ केमिकल प्रॉब्लम है. और अब श्लोका मेहता इज रियली एंग्री ऑब्वियसली. वेल आकाश अंबानी एंड मुकेश अंबानी इज ऑल्सो वेरी एंग्री. तो अब जॉनसन एंड जॉनसन बेबी सोप था, अब क्या करेंगे? क्या वो छोटा बच्चा जिसको सोप अप्लाई किया गया, क्या वो कंज्यूमर है? क्या वो कंज्यूमर है? और जो बायर है, मदर जिसने परचेज किया या फादर जिसने परचेज किया ऑनलाइन पेमेंट, क्या वो भी कंज्यूमर है? द आंसर इज यस, बोथ आर कंज्यूमर. क्या छोटे बच्चे को जो स्किन पे रैशेज आए हैं, वो अपना केस तो खुद तो फाइल कर नहीं सकता, कंप्लेंट क्या क्या करेगा वहां जाकर, क्या बोलेगा जज साहब को? उआ उआ उआ, मतलब आओ मेरी स्किन देखो कि स्किन के ऊपर रेड रैशेज हैं. नाउ एंड व्हाट अबाउट मदर? मदर को तो कोई फिजिकल इंजरी नहीं हुई, फादर को तो कोई फिजिकल इंजरी नहीं हुई, क्या उनको भी कॉम्पनसेशन मिलेगा? क्या उनको भी कॉम्पनसेशन मिलेगा? क्या वो कंज्यूमर हैं? क्या दोनों कंज्यूमर हैं? क्या दोनों को कॉम्पनसेशन मिलेगा या सिर्फ छोटे बच्चे को कॉम्पनसेशन मिलेगा या सिर्फ फादर को? तो गिव द आंसर इन दिस पर्टिकुलर योर कमेंट्स. आप लाइव चैट के अंदर अपने आंसर लिखिए कि ओनली ओनली छोटा बच्चा, ओनली श्लोका और ओनली मदर और ओनली फादर, या बोथ, किसको किसको कॉम्पनसेशन मिलेगा, दोनों को या सिर्फ पेरेंट्स को या सिर्फ छोटे बच्चे को? सो वंस अगेन आई एम काउंटिंग 10 एंड देन आई विल गो ऑन फर्दर. 10, 9, 8, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. नाउ विल फाइनली द आंसर फ्रॉम माई साइड, दोनों को कॉम्पनसेशन मिलेगा. आप लोग तो ऑब्वियसली आंसर दे ही रहे हैं. सो दोनों को कॉम्पनसेशन मिलेगा. और दोनों को क्यों मिलेगा भाई?
छोटे बच्चे को फिजिकल इंजरी का कॉम्पनसेशन मिलेगा और मम्मी पापा को मेंटल एग्नी, जो मेंटल शॉक लगा है, मेंटल टॉर्चर हुआ है, उसका कॉम्पनसेशन मिलेगा, दोनों को कॉम्पनसेशन मिलेगा, दोनों कंज्यूमर है। अच्छा वेल, छोटा बच्चा कंप्लेंट कैसे फाइल करेगा? ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल करेगा, रिटन कंप्लेंट फाइल करेगा, कैसे फाइल करेगा? तो आंसर इज थ्रू लीगल हायर्स। अब लीगल हायर्स यहां पर कौन है? पेरेंट्स। तो पेरेंट्स के थ्रू कंप्लेंट फाइल करेगा। सो आई विल से कंप्लेंट दोनों के बिहाफ पर जाएगी, कॉम्पनसेशन दोनों को मिलेगा। अच्छा अब एक सवाल और आ जाता है, वेदर माइनर, दैट छोटा बच्चा कैन बी कंज्यूमर, वेदर माइनर कैन बी कंज्यूमर या सिर्फ जिसको एज ऑफ मेजोरिटी अटेन कर चुका है वही कंज्यूमर है। राइट डाउन योर आंसर, वेदर माइनर कैन बी अ कंज्यूमर या जो मेजर है 18 ईयर्स और मोर वही कंज्यूमर है। माइनर के लिए बताना, माइनर यस और नो, यस और नो कंज्यूमर है या नहीं। एक बार मैं और काउंटिंग कर लूं, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सो फाइनली वेल, चलो एक सवाल और पूछ लेता हूँ, आंसर नहीं बता रहा मैं, एक सवाल और पूछ लेता हूँ। सन इज 12 ईयर्स ओल्ड, 13 ईयर्स ओल्ड, 17 ईयर्स ओल्ड, सन डॉटर, पापा पेप्सी खरीद के लाते हैं या कोका कोला खरीद के लाते हैं, घर में रखते हैं कैन, एल्यूमिनियम कैन। नाउ द पॉइंट इज कि ये पापा खरीद कर लाए, पापा के पास वो रिसीट है उसकी, जिस भी स्टोर से उन्होंने खरीदा, अच्छे बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर से, उसकी प्रॉपर रिसीट है उनके पास। लेकिन घर लाकर रखा, वो बेटे ने, बेटी ने उठाया और कैन खोला, मुंह से लगाया, और जब एल्यूमिनियम कैन है, अंदर क्या दिखता तो है, हम तो यही मान रहे हैं कि बाहर कोका कोला लिखा है तो अंदर कोका कोला होगा, लेकिन मुंह में क्या आया? छिपकली, छिपकली लिजर्ड आई मुंह में, आधी कटी हुई, आधी उसके अंदर घूम रही और मुंह से लटकी भी हुई है थोड़ी सी। तो फ्री गिफ्ट इन साइड द केन फॉर मिनरल्स, विटामिन, व्हाटएवर। सो That 17 year old boy और 17 year old girl जिसके मुंह से वो lizard लटकी हुई है, बाहर थूकी obviously, मुंह में रख कर नहीं बैठनी, और swallow तो बिल्कुल नहीं, खाना तो बिल्कुल नहीं है, चाहे आप non vegetarian है तो भी। तो now the point is that whether that boy or girl, whether he is consumer, क्या वो consumer है 17 years old, below 18 years, हाँ। तो answer is yes or no, yes or no, लिख दो अब आप फाइनली, आपकी तरफ से अभी भी कोई दिल में भड़ास पा के सोच लो यस और नो। वैसे मुझे अंदाजा है कि आप क्या लिखोगे। सो फाइनली द आंसर इज यस, तो दैट स्मॉल बेबी इज कंज्यूमर एंड दिस 17 ईयर ओल्ड बॉय इज आल्सो कंज्यूमर। और ये 17 साल के लड़के को अगर कोई मेंटल डैमेज नहीं हुई, सॉरी अगर कोई फिजिकल इंजरी नहीं हुई, मेंटल शॉक तो लगाई है ना, और पापा ने केन खरीदी थी, क्या पापा भी कंज्यूमर है? यस, उनको भी मेंटल शॉक लगा कि मेरे बेटे के मुंह में या बेटी के मुंह में वो लिजर्ड कैसे चली गई। तो क्या दोनों को कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए? पापा को ज्यादा नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ तो पापा को भी मिलेगा, और बेटे को तो ऑब्वियसली ज्यादा मिलेगा, बेटे को, बेटी को, मतलब यू टेक इट बोथ वेज। अगर मैं बेटा बोल रहा हूँ तो आप ऑटोमेटिकली बेटी मान लो, या मैं बेटी बोल रहा हूँ तो आप ऑटोमेटिकली बेटा मान लो, दैट इज देयर। सो वेल आई विल से कुल मिलाकर कहानी है कि हाँ जी वो कंज्यूमर है। और एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर, एक क्वेश्चन ये भी पूछना बनता ही है, वेल आई होप आप इन लोगों को पहचानते हैं, आपने कभी देखा है इनको, डिज्नी हॉटस्टार प्रीमियम पे भी देखा होगा शायद कभी। 2015 में इन लोगों ने बहुत हंगामा किया हुआ था, 2015 वाज द ईयर दे हैड अ ह्यूज ह्यूज थिंग गोइंग ऑन इन मुंबई, एंड इस नाम से था, लिखना मत कुछ, लिखना मत कुछ चैट बॉक्स में, अगर आपको पता भी है AIB की फुल फॉर्म क्या है तो मत लिखना, don't write down anything in the chat box, please. So don't write down anything in the chat box. So AIB, बाकी Google सर्च कर लेना, जिनको नहीं पता है वो Google सर्च कर लेना कि इस AIB की फुल फॉर्म क्या है, मैं बोलूंगा भी नहीं अभी, हाँ जिनको पता है बड़ी अच्छी बात है। ये चार लोग, इनके नाम आपको बता देता हूँ, दैट गुर सिमरन खम्बा, जो सबसे लंबा है वो खम्बा है, जो दूसरे नंबर पे है दैट इज शाक्या, अमित शाक्या, जिसकी शक्ल काली है वो शाक्या है, जो गोलू मोलू है वो तन्मय भट्ट है, और जो एटीट्यूड वाला दिख रहा है आपको, वेल दैट इज राहुल, नाम तो सुना होगा आप, बट ये वो वाला राहुल नहीं है जिसका नाम सुना होता है, नाउ दिस इज राहुल जोशी, दैट इज देयर, एंड ब्यूटिफुल सीरीज, और ये बहुत सारी चीजें उठाकर, रियल लाइफ से उठाकर उसको कॉमेडी में कन्वर्ट किया करते थे, और उसको वेल परोसा करते थे, और कई बार
बियॉन्ड द लाइन चले जाते थे बोलते हुए. तो 18 ईयर्स और मोर देन 18 ईयर्स वालों के लिए है, बिलो 18 ईयर्स वालों के लिए है, नहीं है जो इनकी कॉमेडी है. अब इसमें एक भाई ने कुछ खरीदा, एक भाई ने कुछ खरीदा और ऐसा कोई प्रोडक्ट जो अबव 18 ईयर्स वालों के लिए होता है, बिलो 18 ईयर्स वालों के लिए नहीं होता. और फिर वो उसने दूसरे भाई को गिफ्ट कर दिया, गिफ्ट कर दिया, खरीदा बायर, और जिसको गिफ्ट कर दिया वो यूजर. अब बायर के पास तो बिल है, लेकिन हुआ क्या, जब यूजर ने यूज किया तो उसको कुछ नुकसान हो गया. अब वो दिमाग मत चलाना कि वो गिफ्ट क्या है, मतलब खाने का है, पीने का है, फूकने का है, उड़ाने का है, जो भी है, बट डोंट थिंक टू मच. हाँ, डोंट थिंक टू मच. तो जो बायर है वो कंज्यूमर है, सिर्फ वही कंज्यूमर है, या जो यूजर है. अब ये तो 18 ईयर्स और मोर देन 18 ईयर्स है, क्या ये भी कंज्यूमर है? तो आंसर इज यस, ये भी कंज्यूमर है, दे आर ऑल्सो कंज्यूमर्स. बस इतना ही बताना चाह रहा था और ज्यादा दिमाग नहीं चलाएंगे. और इन लोगों की एक बड़ी फेमस लाइन थी जो शो में आप देखना, जब शो शुरू होता है तो उस वक्त शुरू में आता था, कॉमेडी में ट्रेजेडी, कॉमेडी में ट्रेजेडी, ट्रेजेडी में कॉमेडी. दैट इज वट दे यूज टू बी स्पीकिंग एंड समथिंग वेरी फेमस लाइन. लेकिन मैं यहाँ पर अब आपको एक सलाह दे रहा हूँ कि वेल स्टडीज में बहुत ज्यादा कॉमेडी नहीं होनी चाहिए. स्टडीज में टू मच कॉमेडी, यहाँ थोड़ा सा एड ऑन कर देता हूँ, स्टडीज में टू मच कॉमेडी तो रिजल्ट्स में ट्रेजेडी. याद रखना, स्टडीज में टू मच कॉमेडी का मतलब रिजल्ट्स में ट्रेजेडी, एंड एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड. तो मजाक के टाइम पे मजाक और पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई, थोड़ा बहुत चलता है पढ़ाई के साथ साथ. एग्जाम्पल्स समझने के लिए, जो फनी एग्जाम्पल्स हैं, जो रियल लाइफ फनी एग्जाम्पल्स हैं वो लेकर, लेकिन टू मच कॉमेडी विल एंड कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ स्टडीज, तो भाई फिर तो एग्जाम के टाइम पे ट्रेजेडी होगी होगी. एंड आई एम टेलिंग यू वन थिंग, हम लोगों के लिए तो हम बोलते हैं 25 अगस्त रिजल्ट वाला दिन और 25 फरवरी रिजल्ट वाला दिन, यही हमारे लिए होली और दिवाली होते हैं. तो इसी दिन जिसका मुंह काला होता है, काला होना होता है, काला हो जाता है, और जिसका पिंक होना होता है, पिंक हो जाता है उसी दिन. वेल आगे पीछे तो सब देखा जाता है ना. तो मैसेज समझ में आ गया आपको. नाउ आई विल से, आई एम रिवर्टिंग बैक डेफिनेशन की तरफ, वापस लेकर जा रहा हूं आपको. ऐसे ही वेल द पर्सन हु इज हायरिंग द सर्विसेज दूसरी तरफ आ जाते हैं, वो भी कंज्यूमर. और अब सीरियसली, हाँ सीरियसली, वो इसलिए एग्जाम्पल दिया, सीरियस होना है. सो हायरिंग द सर्विसेज एंड इंक्लूड्स एनी बेनिफिशियरी ऑफ सर्विसेज. तो अगर मान लीजिए कि पापा ने, वेल एक रियल लाइफ केस ही ले लेते हैं, पापा ने बेटे को बुखार था, तो 13-14 साल का लड़का, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, भाई इसको फीवर है, जा नहीं रहा है. हॉस्पिटल में इंजेक्शन गलत लगा दिया नर्स ने, और जब गलत इंजेक्शन लगा दिया नर्स ने तो बच्चे को फुल बॉडी पैरालिसिस हो गया. ट्रेजेडी, ट्रेजेडी. नाउ द पॉइंट इज, फादर ने हॉस्पिटल की पेमेंट की हुई है, हॉस्पिटल की फीस, और बच्चे को वहाँ मेडिकल सर्विसेज मिल रही थी. तो सिर्फ बच्चा कंज्यूमर है या फादर भी कंज्यूमर है या दोनों कंज्यूमर है? तो आंसर इज दोनों कंज्यूमर है. और बच्चे को फिजिकल इंजरी हुई है, कॉम्पनसेशन मिलेगा. फादर ने सर्विसेज हायर की थी, उनके लिए पे किया था मेडिकल सर्विसेज के लिए, तो इसलिए उनको भी कॉम्पनसेशन मिलेगा फॉर मेंटल शॉक सफर्ड बाय फादर. आई होप क्लियर टू एवरीबडी. देन कौन लोग कंज्यूमर नहीं है? अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कौन लोग कंज्यूमर नहीं है? अब सीधी सीधी शब्दों में बात करूं तो जिसने अपने घर के लिए, डोमेस्टिक पर्पज के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए गुड्स खरीदी, वो कंज्यूमर है. लेकिन जिसने रीसेल करने के लिए गुड्स खरीदी, वो कंज्यूमर नहीं. और जिसने कॉमर्शियल पर्पज के लिए गुड्स खरीदी, वो भी कंज्यूमर नहीं है. अब सिंपल एग्जाम्पल होगा, तीन एग्जाम्पल जस्ट टू फिनिश इट ऑफ. मैं अपने घर के लिए एक डिनर सेट क्रॉकरी का खरीद के लाता हूँ और उसमें डिफेक्टिव क्रॉकरी निकलती है, कप टूटे हुए हैं, प्लेट्स टूटी हुई हैं. सो बोन चाइना की क्रॉकरी लेकर आया और जब पैकिंग खोली तो अंदर से सामान टूटा हुआ निकल रहा है. तो मैंने क्रॉकरी खरीदी, मेरे पास उसका बिल है, क्या मैं कंज्यूमर कोर्ट में जा सकता हूँ, कंप्लेंट फाइल कर सकता हूँ, मैं उसकी रिप्लेसमेंट मांग सकता हूँ कि मुझे इसके बदले में नया डिनर सेट चाहिए, इसके बदले में मुझे न्यू क्रॉकरी चाहिए? आंसर इज येस, आई एम कंज्यूमर, मैंने अपने घर के लिए खरीदी. सिचुएशन टू, एक शॉपकीपर है मार्केट में. अब यहाँ आई स्टे इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो यहाँ दिल्ली में बहुत फेमस है करोल बाग, और करोल बाग के साथ बहुत फेमस है गफार मार्केट, जहाँ सारा इम्पोर्टेड माल मिलता है और सारा नकली माल भी मिलता है. वट एवर, करोल बाग में एक शॉपकीपर है. अब करोल बाग में जो शॉपकीपर है उसके पास
क्रॉकरी के सेट्स हैं ऑब्वियसली, वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से खरीद के लाता है, अपनी शॉप में रखता है और अपनी शॉप से आगे बायर्स को जो भी है कस्टमर्स उनको देता है। वो जो खरीद के ले जाते हैं अपने घर के लिए वो तो है ही ऑब्वियसली, जो अपने घर में यूज कर रहे हैं वो तो कंज्यूमर है, लेकिन वो शॉपकीपर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से 50 60 50 60 क्रॉकरी सेट्स लेकर आता है, डिनर सेट, क्या वो कंज्यूमर है? आंसर इज नो, वो कंज्यूमर नहीं है क्योंकि वो तो आगे रीसेल करेगा, तो वो खुद थोड़े ना कंज्यूमर है। तो वो क्लियर कट लॉ मेकर ने लिखा हुआ है, क्लियर कट लॉ मेकर ने लिखा हुआ है जो रीसेल के लिए खरीदता है वो कंज्यूमर नहीं है, लेकिन जो खरीद के ले गया और घर में रखा क्या वो कंज्यूमर है? आंसर इज यस। अच्छा, अब हस्बैंड ने क्रॉकरी खरीदी घर में रखी, वाइफ यूज कर रही है, हस्बैंड को कहती है तू चुल्लू में पानी पी ले ऐसे करके, फिर को कप नहीं मिलेगा, और चाय पीनी है तो वो भी तो ऐसा एक काम कर, वो जो पतीला है उसी में स्ट्रॉ लगा ले, स्ट्रॉ से ही पी ले, कप में नहीं मिलेगा। वाइफ क्रॉकरी यूज कर रही है, हस्बैंड बेचारा पतीले से चाय पी रहा है। हस्बैंड ने खरीदा, वाइफ यूज कर रही है, क्या दोनों कंज्यूमर है? आंसर इज यस। हस्बैंड यूज नहीं कर पा रहा लेकिन कंज्यूमर वो भी है क्योंकि उसने खरीदा है और क्योंकि वो अपने घर लेकर गया, लेकिन वो जो शॉप की बात समझ में आ गई ना बिल्कुल, लेकिन जो शॉपकीपर 50 या 60 क्रॉकरी सेट खरीद के रख रहा है उसकी तो इंटेंशन क्या है? उसने खरीदा है विद द इंटेंशन ऑफ रीसेल, वो कंज्यूमर नहीं है। जो हस्बैंड वाइफ का एग्जांपल लिया, हस्बैंड ने खरीदा घर में यूज करने के लिए, इंटेंशन ऑफ रीसेल नहीं। और नेक्स्ट वन कॉमर्शियल पर्पस की बात करते हैं। मान लो कोई फाइव स्टार होटल है, फाइव स्टार होटल है, और फाइव स्टार होटल ने क्रॉकरी खरीदी, छोटी मोटी नहीं, 50 लाख 60 लाख 70 लाख 80 लाख 1 करोड़ रुपए की क्रॉकरी खरीदी फाइव स्टार होटल ने। रेस्टोरेंट है 5-6 फाइव स्टार होटल में अलग अलग टाइप के, इटालियन कुजीन और मुगलई कुजीन और व्हाटएवर साउथ इंडियन कुजीन, तो उसके लिए अलग अलग रेस्टोरेंट्स के लिए प्लस होम सर्विस के लिए, यू नो दैट दैट रूम सर्विस कहना चाहिए, रूम सर्विस के लिए वेल्ला क्रॉकरी खरीदी 1 करोड़ रुपए की क्रॉकरी, तो क्या कहेंगे? डोमेस्टिक पर्पस, पर्सनल पर्पस या कॉमर्शियल पर्पस के लिए खरीदी? तो आंसर इज कॉमर्शियल पर्पस। लेकिन अब एक सवाल है, अगर यहाँ इन दोनों केसेस में प्रॉब्लम होती है इनको, ये जो होटल है या ये जो शॉपकीपर है, इनको प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये जो खरीद के लाया है देखा कि वो क्रॉकरी जो है वो डिफेक्टिव निकली, तो ये शॉपकीपर, ये होटल फाइव स्टार होटल, क्या उस क्रॉकरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अगेंस्ट जाकर, क्या क्रॉकरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अगेंस्ट जाकर कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं? आंसर इज नो। ये लोग कहां जाएंगे? दे विल गो टू द प्रॉपर सिविल कोर्ट, दे विल गो टू द प्रॉपर सिविल कोर्ट, और ये वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो डैमेजेस मांगेंगे, रिलीफ मांगेंगे, कॉम्पनसेशन मांगेंगे, या एक एक्ट जो आप और पढ़ोगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जिसमें 5-6 तरीके की अलग अलग चीजें मांगी जा सकती हैं, उसमें कॉम्पनसेशन भी मांगा जा सकता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, मॉनेटरी कॉम्पनसेशन भी, और पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स जो हमने खरीदा जी हमें उसकी रिप्लेसमेंट ही चाहिए वो भी मांगा जा सकता है, स्पेसिफिक रिलीफ भी मांगा जा सकता है स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए, और ऑल्टरनेटिवली कॉम्पनसेशन भी मांगा जा सकता है, और दोनों भी मांगे जा सकते हैं इन द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। तो वो जब आप पढ़ोगे उसमें सारी चीजें आनी आनी है, वो खुलकर आएगा, और उसमें 6-7 घंटे लगते हैं उसमें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। तो जिसने घर के लिए खरीदा, हस्बैंड वाइफ, वो कंज्यूमर है, शॉपकीपर कंज्यूमर नहीं है, फाइव स्टार होटल कंज्यूमर नहीं है, और ये जो दोनों लोग हैं हस्बैंड जो है वो कहां जाएगा? कंज्यूमर कोर्ट में। ये दोनों लोग कहां जाएंगे? दे विल गो टू द सिविल कोर्ट। और दूसरी तरफ जो कौन कंज्यूमर नहीं है, हु इज नॉट कंज्यूमर, अ पर्सन हु इज हायरिंग द सर्विसेज फॉर कॉमर्शियल पर्पस, वो कंज्यूमर नहीं है। दो एग्जांपल्स के साथ खत्म करते हैं इस पूरी डेफिनेशन को। मैं अपना घर शिफ्ट कर रहा हूँ फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, और दिल्ली टू मुंबई शिफ्ट हो रहा हूँ तो उसके लिए घर पूरा बिल्डिंग नहीं ले जा रहा हूँ, क्या ले जा रहा हूँ? बिल्डिंग के बजाय मतलब फर्नीचर और जो भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, रेफ्रिजरेटर, टीवी और व्हाटएवर, तो उसको पैकेजिंग करवा के एक मूवर पैकर कंपनी को बुलाया, मूवर पैकर कंपनी को बोला कि अपने ट्रक में रखो और इसको मुंबई लेकर जाना है। अब वो ट्रक जो चला रहा था वो पीकर चला रहा था, तो पीकर चला रहा था तो ट्रक सीधा नहीं चल रहा था, टेढ़ा मेढ़ा ऐसे ऐसे सरपेंटाइल चल रहा था, सामने से कोई ट्रक आया, भिड़ गए दोनों आपस में। अब नाउ द पॉइंट इज, हो गया वो ट्रक को आग लग गई, मेरे सारी गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए। एम आया कंज्यूमर, क्या मैं ट्रांसपोर्ट कंपनी से कॉम्पनसेशन मांग सकता हूँ? मेरा पूरे घर का सामान तबाह हो गया, मुंबई जाकर मैं कहाँ जमीन पे सोऊंगा, मतलब बेड तो मेरा जल गया उसके अंदर, और फ्रिज का रेफ्रिजरेटर नहीं होगा तो मतलब ठंडा कैसे करूंगा चीज, और गर्म कैसे करूं, मतलब गर्म के लिए तो माइक्रोवेव था वो भी खराब हो गया, मतलब खत्म ही हो गया। तो obviously not in this case can I ask for compensation in consumer court? Answer is yes, I hired the services for domestic purpose, for personal purpose. Situation 2, closing this definition, ek factory owner hai, wo transport company ka services hire karta hai ki mera ye saman, meri factory hai Gurugram mein, Gurgaon mein, aur yahan se lekar jana hai ye saman Mumbai, aur wahan se shipment hokar bahar jana hai, to mover packer company ko bulaya, transportation company ko bulaya, aur bola ye meri factory ka saman jo meri manufactured goods hai
ये अपने ट्रक में रखो और इसको लेकर जाना है मुंबई. नाउ द पॉइंट इज कि वो सामान अब जा रहा है और वही ट्रक का एक्सीडेंट हुआ और डिस्ट्रॉय हो गया. Whether the question is whether the factory owner who has given the goods to the transport company, whether that factory owner is a consumer of that transport company, yes or no? क्या वो consumer court में complaint file कर सकते हैं transport company के against? Yes or no? तो ये answer तो आप लिख दो. अब बहुत सारा कुछ मैंने बताया. Yes or no बता दो आप. क्या क्या वो manufacturing company, क्या वो factory owner, क्या वो consumer है या नहीं? And I'm counting that once again. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, Hanji. Now the point is, finally, the answer is no. Answer is no, that factory owner is not consumer. Because he is hiring transportation services for commercial purpose, apni sales turnover badhane ke liye, business turnover badhane ke liye, isliye wo consumer nahi hai. I hope you got the answer. क्वेश्चन तो मैं बे इंतहा पूछ सकता हूँ आपसे, यस नो, लेकिन क्लैरिटी आनी चाहिए. बाकी तो विल अदरवाइज इनफाइनाइट क्वेश्चंस. लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. अभी तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में ही बाकी है, फिर उसमें एक एड ऑन पॉइंट करेंगे तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 भी आ जाएगा. और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर किसी ने गुड्स खरीदी है फॉर अर्निंग द लाइवलीहुड, लाइवलीहुड मतलब अपनी रोजी रोटी, रोजी का मतलब ये वाली रोजी नहीं, मतलब रोजी रोटी कमाने के लिए, यू नो दैट रोजी रोटी. मैं स्पेलिंग ठीक ही कर दूं, आप लोग कुछ और ही देखते रहोगे नहीं तो. अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, अपनी हिंदी में कहते हैं आजीविका कमाने के लिए. और कोई शब्द भी आता है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा. तो एक बंदे ने गुड्स खरीदी है अपनी लाइवलीहुड कमाने के लिए, और तो उसको कॉमर्शियल पर्पज नहीं माना जाएगा. तो सबसे सिंपल एग्जाम्पल, सबसे सिंपल एग्जाम्पल, और साथ में उसमें लॉ मेकर ने ये भी लिखा है कि उस उन गुड्स में उस बंदे का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए. तो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि एक पर्टिकुलर शॉपकीपर है जिसके पास छोटी सी शॉप है, उसने एक फोटो कॉपी मशीन खरीदी, फोटो कॉपियर मशीन बड़ी सी, किसी भी कंपनी की, कोडैक और जेरोक्स, मोदी जेरोक्स और फिलिप्स वगैरह. और वो फोटो कॉपी मशीन खरीद के उसने अपनी शॉप में लगाई. वहां पर कस्टमर आते हैं उसके पास और वो जो है वो उनसे 50 पैसा पर पेज या 40 पैसा पर पेज, व्हाटएवर वो चार्ज करता है उनसे फोटो कॉपी करने का. अब वो मशीन खरीदे हुए 7-8 दिन हुए थे, 10 दिन हुए थे, मशीन खराब हो गई है, मशीन में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है. अब हम क्या बोलें कि वो मशीन को यूज कर रहा था फॉर कॉमर्शियल पर्पज, फॉर कॉमर्शियल एक्टिविटी, क्योंकि वो अपने घर में तो यूज नहीं कर रहा था, वो अपने घर के डोमेस्टिक पर्पज के लिए तो यूज नहीं कर रहा था, घरेलू काम के लिए तो यूज नहीं कर रहा था. तो वेल कैन वी से ही वॉज यूजिंग द मशीन फॉर कॉमर्शियल पर्पज और ही वॉज यूजिंग द मशीन फॉर लाइवलीहुड. कॉमर्शियल पर्पज के लिए सी, लाइवलीहुड के लिए एल, लिख दो आप. आई एम वंस अगेन काउंटिंग 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. थैंक यू वेरी मच. तो फाइनली सबको समझ में आ गया, ही वॉज यूजिंग द मशीन और ही इज यूजिंग द मशीन फॉर अर्निंग द लाइवलीहुड बाय मीन्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. तो इसको कॉमर्शियल पर्पज नहीं माना जाएगा. अब सवाल नंबर दो, अगर ये मशीन खराब हो गई है तो क्या वो जो शॉपकीपर है क्या वो उस मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अगेंस्ट कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट फाइल कर सकता है? अगर वो मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एज पर वारंटी, एज पर गारंटी, अगर जो सर्विसेज देनी चाहिए वो नहीं दे रही है, तो वेदर दिस मैन कैन गो टू द कंज्यूमर कोर्ट, कोपरा में जाएगा या सिविल कोर्ट में जाएगा? कोपरा या सिविल कोर्ट कहां जाएगा? और कोपरा कोई भी होगा, कोपरा 1986, कोपरा 2019. तो लिख दो आप कमेंट बॉक्स में, कोपरा जाएगा या सिविल कोर्ट. सिविल कोर्ट मतलब सीसी और कोपरा मतलब COPRA, दैट इज देयर. तो फाइनली विल आई होप सबको आंसर तो समझ में आ गया कि ये बंदा कहां जाएगा, कोपरा जाएगा. अब इस सिचुएशन को चेंज कर देता हूं, और ऐसी बहुत सारी सिचुएशन हो सकती है कि एक बंदे ने अपने पैसे से या लोन लेकर कार खरीदी, ट्रक खरीदा, बस खरीदी, और वो खुद ड्राइवर भी है, और वो ड्राइवर खुद है उसका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरह चला रहा है उसको, और या तो टैक्सी चला रहा है या फिर वो बस या ट्रक चला रहा है. और उस केस में अगर वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट डेवलप कर जाता है तो बंदा जो है वो ही इज अर्निंग द लाइवलीहुड, ही कैन गो टू द कंज्यूमर कोर्ट. अगर वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसने कार बनाई है, ट्रक बस बनाया, अगर वो लोग गारंटी वारंटी के हिसाब से सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते, तो बिकॉज ही इज सेल्फ एम्प्लॉयड, बंदा अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, दैट्स इट. अब एक चीज और एट द सेम टाइम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं. अगर मान लीजिए एक बंदे ने 10-12 फोटोकॉपी मशीन खरीदी, बहुत बड़ी शॉप है,
10-12 फोटोकॉपी मशीन्स खरीदी या 10-12 ट्रक खरीदे, 10-12 कारें खरीदी और छोटू रख लिए 10-12 वेल उनको ऑपरेट करने के लिए, और खुद वो सिर्फ कैश 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 पैसा 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 कलेक्ट करता है बस, तो क्या वो बंदा कंज्यूमर है? अब एक्टिविटी हो गई बड़ी, लार्ज स्केल एक्टिविटी, लार्ज स्केल एक्टिविटी, और वो बंदा बीच में सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं है, वेदर ही इज कंज्यूमर, यस और नो, यस और नो, यस और नो, आंसर इज नो, ही इज नॉट अ कंज्यूमर क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं है। एंड आप ये नहीं बोल सकते कि वो अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, मतलब रोटी का साइज कितना बड़ा होता है, रोटी तो इतनी होती है, वो तो कुछ और ही कमा रहा है, मतलब अच्छा बड़े स्केल का लार्ज स्केल कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रहा है तो वो कॉमर्शियल पर्पज है। आई होप गॉट दिस। और कनेक्शन देखना है, जो गुड्स खरीदी हैं उनका कनेक्शन लार्ज स्केल, जो भी फोटोकॉपी मशीन खरीदी है, एक कार खरीदी है या बस खरीदी है, उसका कनेक्शन अर्निंग द लाइवलीहुड के साथ है या उसका कनेक्शन लार्ज स्केल एक्टिविटी के साथ है? तो अगर लार्ज स्केल एक्टिविटी के साथ है और बंदा सिर्फ बैठकर कैश कमा रहा है विदाउट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तो इट इज कॉमर्शियल पर्पज, फिर वो कंज्यूमर नहीं है। और अगर उस केस में वेल 10-12 मशीन्स हैं, कारें हैं, ट्रक हैं, कुछ खराब हो जाता है, गारंटी पीरियड, वारंटी पीरियड के हिसाब से अगर उसको सर्विस नहीं मिल रही है, कैन ही गो टू द कंज्यूमर कोर्ट? आंसर इज नो, देन ही विल गो टू सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट, इन दैट केस फिर वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जाएगा बंदा, वो यहाँ नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो टू द कंज्यूमर कोर्ट्स इन दैट केस। आई होप समझ में आ गया है, और भी बाल की खाल निकाल सकते हैं बट दैट इज सफिशियंट। तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के हिसाब से तो हो गया कंप्लीट पूरा, अभी कुछ बाकी है एज पर कोपरा 2019। ये अभी तक जो पढ़ रहे थे ये दोनों के लिए एप्लीकेबल था 100% कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। अभी एक पॉइंट और ऐड करवाऊंगा आपको बस इसके अंदर, ये वाला मैसेज याद रखना बस, एंड देन आई विल से दिस इज एज पर कोपरा 2019। और इसमें क्या ऐड कर दिया इन्होंने कि जब आप कहते हैं बायर्स द गुड्स हायर्स द सर्विसेज तो ये ऑफलाइन भी खरीद सकता है और ऑनलाइन भी खरीद सकता है, बस ये जो पॉइंट बी है ना नीचे इसमें इन्होंने कुछ न्यू ऐड किया है, ये जो ऊपर वाला है इट इज सेम एज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो दिए कंप्लीट पिक्चर है, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लेना ताकि याद रहेगा कितना सेम है और कितना न्यू है, डिफरेंट है। तो यहां पर बस यही क्लैरिफाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिकली खरीद सकता है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्विगी, बिग बास्केट और वट एवर इज गोइंग ऑन इन योर सिटी, जोमैटो जो भी चल रहा है तो उसके थ्रू खरीदते हैं, या टेली शॉपिंग जिसमें वो बोलते हैं पहले तो मैं बहुत मोटा था, फिर मैंने ये बेल्ट खरीदी, फिर मैं पतला हो गया, जो कि कभी होते नहीं है, बेल्ट ही पतली हो जाती है, बेल्ट खराब हो जाती है, बंदा तो कभी पतला होता नहीं है। मैंने पर्सनली कर रखा है ये छुपाने के लिए, जैकेट सही है। एनी हाउस देन डायरेक्ट सेलिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग वगैरह, एमवे, यू नो दैट एमवे की टूथपेस्ट वगैरह जो चलती है, वो चेन बनाते हैं, आपको प्रोडक्ट बेचा है आप आगे बेचो प्रोटीन पाउडर एंड ऑल दैट, यू नो दैट एमवे का आता है। सो कहते हैं अच्छी क्वालिटी का होता है बड़ा महंगा होता है। सो देन टॉकिंग अबाउट दैट फर्दर, अब जो आपके सामने है ये है कॉम्पिटिशन एक्ट। अब बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि हम अंतिम अंतिम पड़ाव की तरफ आ रहे हैं। कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के हिसाब से कंज्यूमर की डेफिनेशन और क्या सेम है क्या डिफरेंट है, तो यहां तक मैं बोल सकता हूं ये तो ऊपर वाला चार्ट इट इज सेम एज कोपरा, द पर्सन हु परचेजेस द गुड्स, द पर्सन हु हायर्स द सर्विसेज इज कंज्यूमर एंड द लॉफुल यूजर एंड द बेनिफिशियरी इज ऑल्सो कंज्यूमर। 1986 कह लो 2019 कह लो एक ही बात है। तो ये ऊपर वाला पार्ट तो सेम है कॉम्पिटिशन एक्ट में, और ये जो नीचे वाला है ये है डिफरेंट। दिस पार्ट इज डिफरेंट। सो वेदर सच पर्सन, कंज्यूमर में सब लोग आ रहे हैं और हम कह रहे हैं सभी लोग कंज्यूमर हैं, यहां सबसे खास बात क्या है, सारे कंज्यूमर हैं। अपने घर के लिए क्रॉकरी खरीदी तो भी कंज्यूमर है, शॉपकीपर ने अपनी शॉप के लिए 50-60 क्रॉकरी सेट खरीदे वो शॉपकीपर भी कंज्यूमर है, और जिस 5-स्टार होटल ने 1 करोड़ की क्रॉकरी खरीदी वो भी कंज्यूमर है, सारे कंज्यूमर। और यही लिखा हुआ है नीचे, जिसने पर्सनल पर्पज के लिए खरीदा वो भी कंज्यूमर, जिस शॉपकीपर ने अपनी शॉप के लिए खरीदा वो भी कंज्यूमर, और 5-स्टार होटल जिसने कमर्शियल पर्पज के लिए खरीदा वो भी कंज्यूमर, एवरीबॉडी इज कंज्यूमर।
एंड देन दूसरी तरफ सर्विसेज के लिए भी वही फंडा है, जिसने अपने लिए अपना घर का सामान डोमेस्टिक गुड्स ट्रांसफर करने के लिए ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हायर की, वो भी कंज्यूमर। और जिस फैक्ट्री ओनर ने वेल अपनी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स गुड़गांव से मुंबई शिफ्ट करने के लिए ट्रांसपोर्ट कंपनी की सर्विसेज हायर की, वो फैक्ट्री ओनर, वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वो भी कंज्यूमर, सारे कंज्यूमर है। लेकिन मतलब ये बड़ी अजीब सी बात हो गई, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में तो देखना पड़ता है कौन कंज्यूमर है कौन कंज्यूमर नहीं है, और यहाँ पर तो कुछ देखना ही पड़ता, यहाँ तो ऑल कैटेगरीज आर कंज्यूमर। तो अगर मैं बोलूँ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो उसमें पहले वाला कंज्यूमर था और ये दोनों कंज्यूमर नहीं थे, और ये पर्सनल पर्पज वाला कंज्यूमर था, कॉमर्शियल पर्पज वाला नहीं था, ये तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। लेकिन जब मैं बोलता हूँ कॉम्पिटिशन एक्ट, तो ऑल कैटेगरीज आर कंज्यूमर्स। लेकिन अब मालूम है खास बात क्या है, यहाँ कॉम्पिटिशन एक्ट में डिफेक्टिव गुड्स की कंप्लेंट नहीं होती है, और यहाँ अथॉरिटी का नाम है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, यहाँ पर कोई कंज्यूमर कोर्ट नहीं है, यहाँ पर अथॉरिटी का नाम क्या है, CCI। वेबसाइट खोल के देख लेना आप CCI, और गूगल के ऊपर फाइन लगाया कुछ 200-300 करोड़ का, कोल इंडिया लिमिटेड के ऊपर फाइन लगाया इन्होंने कुछ 1600 करोड़ का, मतलब बड़े बड़े फाइन लगाते हैं ये लोग तो, और एयरलाइन कंपनीज के ऊपर फाइन लगाया इन्होंने प्राइस कार्टल बनाने के लिए, कलेक्टिव प्राइस फिक्सेशन। 5 एयरलाइन कंपनीज ने अपने अपने एयर टिकट्स के प्राइसेस सेम कर दिए, और फिर कुछ कुछ टाइम में बढ़ाते रहते हैं, तो उसको बोलते हैं कार्टल बना लिया, ग्रुप बना लिया। ऐसे ही सीमेंट कंपनीज ने अपने सबके सीमेंट प्राइसेस सेम हो गए, और फिर कुछ कुछ टाइम में बढ़ाते रहते हैं, तो जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लैट्स है, अपार्टमेंट्स है, वो बढ़ जाती है, अल्टीमेटली बर्डन कंज्यूमर पे आता है। तो वैसे वाले केस जाते हैं यहाँ पर, और बहुत सारे केसेस जाते हैं, लेकिन वो डिफेक्टिव गुड्स का केस नहीं जाता है CCI में, वो डेफिशिएंसी इन सर्विस का केस यहाँ नहीं जाता, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का केस यहाँ नहीं जाता CCI में, वो फॉल्स एडवर्टाइजमेंट बड़ा चढ़ाकर बोलना, एग्जैजरेट करके बोलना, वो सब कुछ यहाँ नहीं जाता, वो नहीं जाता यहाँ पर। यहाँ पर अलग ही टाइप की केसेस हैं, यहाँ पर है रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, यहाँ पर है टाई अप सेल्स। अगर आपने हमारा एक प्रोडक्ट खरीदा है, जबरदस्ती दूसरा प्रोडक्ट आपको हमसे लेना ही पड़ेगा जबरदस्ती, नहीं तो हम आपको अपना फर्स्ट प्रोडक्ट देंगे ही नहीं, तो टाई अप सेल्स। तो उस टाइप के केसेस यहाँ पर जाते हैं जो CCI में जाते हैं। तो दोनों एक्ट का ना ऑब्जेक्टिव अलग है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का और इधर CCI का, ये थोड़ा सा याद रखिएगा बस। तो यहाँ अगर कहानी 90% कंप्लीट हो जाती है, सर अभी भी कुछ बाकी है, हाँ जी अभी भी कुछ बाकी है, लेकिन वो आज एक्सप्लेन कर नहीं रहा हूँ मैं आपको। बाकी यहाँ पर ये कॉमन यहाँ पर भी है कॉम्पिटिशन एक्ट के अंदर, की कंसिडरेशन हैज टू बी पेड और प्रॉमिस पार्टली पेड पार्टली प्रॉमिस, वो सेम पॉइंट यहाँ पर भी है। गुड्स की डेफिनेशन जब तक आप पढ़ोगे नहीं ना, तब तक ये डिस्कशन अधूरा है। गुड्स की डेफिनेशन एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, गुड्स की डेफिनेशन एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, गुड्स की डेफिनेशन एज पर कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। तीनों में डेफिनेशन ही अलग अलग चलती है, तो जब तीनों में डेफिनेशन ही अलग अलग चलती है, भाई गुड्स ही नहीं पता आपको, और तीनों में गुड्स का क्या मतलब है, डिफरेंस क्या है, यही नहीं पता। और कोपरा 2019 के अंदर तो गुड्स का अलग डेफिनेशन है, प्रोडक्ट का अलग है। बाकी वो एज एम सिंह हमारी ऐप के ऊपर आकर देख लेना, विल मेक माय करियर ऑन गूगल प्ले स्टोर फ्री ऑफ कॉस्ट, यू कैन वॉच आउट दैट वीडियो, की गुड्स अलग है प्रोडक्ट अलग है, और दोनों के डेफिनेशन में डिफरेंस क्या है, बाल की खाल निकालनी है, दैट इज देयर। एक जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ रहा हूँ आपको, और ये गुड्स के लिए किसी और दिन मिलूंगा आपके साथ, और एक सेपरेट वीडियो रहेगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का जो पहला सेक्शन है कोपरा 2019 का, उसमें एक अजीब सी बात लिखी है। अजीब सी बात क्या लिखी है यहाँ पर, 9th अगस्त 2019 को पार्लियामेंट ने अप्रूव किया था। अजीब सी बात ये लिखी है, इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। नया नया लॉ बनाया 2019 में, और कह रहे हैं जम्मू कश्मीर पर एप्लीकेबल नहीं है। और आपको मालूम है कि इंडिया में वैसे भी एप्लीकेबल कब हुआ है, 15th जुलाई 2020, या इसकी बेसिकली ऑल ओवर इंडिया कब एप्लीकेबल हुआ है, होल ऑफ इंडिया। होल ऑफ इंडिया जो एप्लीकेबल हुआ है 23rd जुलाई 2020, ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल हुआ है। तो जम्मू कश्मीर के ऊपर एप्लीकेबल है या नहीं है, यस और नो, है या नहीं, सो दैट इज द क्वेश्चन फॉर यू, है या नहीं। और इसका आंसर मैं अभी नहीं दे रहा हूं आपको, इसके लिए भी देयर इज वन वीडियो इन अवर ऐप मेक माय करियर। और कहानी उलझी हुई है, इतनी सीधी सीधी कहानी नहीं है। अगर आपको लग रहा बड़ा सीधे से हम बोल देंगे है या नहीं है तो हो जाएगा, ऐसे नहीं। तो यू हैव टू रियली गो थ्रू दैट स्मॉल वीडियो, 15 मिनट्स, एनालिसिस है इसका भी पूरा, मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ अभी तो। लेकिन समझ में आ गया आपको कि मेहनत बहुत सारी करनी है, और ये दो बातों के साथ छोड़कर जा रहा हूँ आपको यहाँ पर,
नंबर वन गुड्स की डेफिनेशन किसी दिन और करेंगे और तीनों का कंपैरिजन करेंगे, और ये जो आंसर है ये आप ढूंढोगे कि ये जम्मू कश्मीर को एप्लीकेबल है या नहीं है, और लद्दाख साथ में, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर। सो थैंक यू सो मच, और जाते जाते भारत माता की जय, वंदे मातरम।